नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड उसके थ्री पॉइंट्स पढ़ लिए थे, यानी कि फूड के थ्री कंपोनेंट के बारे में स्टडी कर लिया था। अब हम देखेंगे बॉडी के फोर। तो पहले देखेंगे विटामिन्स। विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी का सही तरह से फंक्शनिंग होने के लिए विटामिन्स बहुत ज़रूरी है। These are recorded in very small quantities in comparison to carbohydrates, fats and protein. विटामिन ज़रूरी है लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़े क्वान्टिटीज में ही चाहिए। थोड़े थोड़े हो विटामिन तो बहुत है, बहुत ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत नहीं है। एज कम्पेयर्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन की जितनी ज़रूरत होती है उतने विटामिन की ज़रूरत होते नहीं है, थोड़ी क्वान्टिटीज में ही विटामिन बहुत हो जाते हैं। दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। वो प्रोटेक्टिव फूड के तरह से जाने जाए, प्रोटेक्टिव मतलब हमें प्रोटेक्शन देना, हमें बचाना। तो क्यों इस नाम से जाने जाते हैं? क्योंकि दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। वो हमें किससे बचाते हैं? तो के बीमारियों से बचाते हैं और हेल्प इन कीपिंग अवर बोन्स, टीथ, गम्स एंड आइज हेल्थी। और हमारे बॉडीज में बोन्स होते हैं, टीथ्स होते हैं, गम्स होते हैं और आइज होते हैं, इन सबको हेल्दी रखने में यूज होते हैं, इसीलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड की नेम से जाना जाता है, क्योंकि वो हमें इन सब से बचाता है इसीलिए। विटामिन्स आर ऑफ सेवरल काइंड्स लाइक विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, विटामिन के। विटामिन जो होते हैं उनके बहुत सारे काइंड्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, बहुत सारे विटामिन होते हैं। अवर बॉडी नीड्स ऑल दिस विटामिन इन स्मॉल क्वान्टिटीज। हमारे बॉडी को ये सभी विटामिन चाहिए लेकिन थोड़े थोड़े क्वान्टिटीज में चाहिए। ईच विटामिन प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल इन अवर बॉडी। सभी विटामिन अपना एक रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में, सभी विटामिन का अलग अलग काम होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए विटामिन ए कीप्स द आई एंड स्किन हेल्थी। विटामिन ए हो तो हमारे आई और हमारी स्किन हेल्थी रहती है। विटामिन बी हेल्प्स इन रिलीजिंग एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। विटामिन बी क्या करने में हेल्प करता है? तो कि एनर्जी रिलीज करने में और हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करने में हेल्पफुल करते हैं। RBC हमारे रेड ब्लड सेल मतलब RBC, फॉर्मेशन ऑफ RBC में हेल्पफुल होते हैं कौन? विटामिन बी। विटामिन सी क्या करते हैं? कीप टीथ, गम्स एंड बोन हेल्थी। टीथ को, गम्स को और बोन्स को हेल्दी कौन रखता है? विटामिन सी। विटामिन डी मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? तो कि विटामिन डी। विटामिन ई कीप्स अवर बॉडी एंड स्किन हेल्थी। हमारे बॉडी और स्किन को हेल्दी रखता है विटामिन ई। और विटामिन के हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन के किसमें हेल्पफुल करता है? तो कि ब्लड का क्लॉट होना, ब्लड का जम जाना। तो आप बोलोगे तो कि ब्लड का जम जाना यानी कि ब्लड का क्लॉट होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको किसी जगह पे चोट लगी है तो थोड़ी देर में वो ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो जाता है और बाहर निकलना बंद हो जाता है। लेकिन अगर विटामिन के नहीं होगा तो आपका ब्लड पूरा क्या होता रहेगा? ब्लीडिंग होता ही रहेगा, तो आपके शरीर का पूरा ब्लड बाहर नहीं निकल जाएगा। तो इसके लिए विटामिन के का होना जरूरी है, क्योंकि विटामिन के क्या करता है? थोड़ी देर में ब्लड को क्लॉट कर देता है, वहाँ पे जमा देता है, इसलिए ज़्यादा ब्लड आपके बॉडी से बाहर ना निकल जाए। इसीलिए जब हमें चोट लगती है तो थोड़ी देर ब्लड बाहर ब्लीड होता है, उसके बाद वो क्लॉट होके रुक जाता है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो आपका ब्लड ब्लीडिंग होना बंद ही नहीं होगा। तो इस तरह अलग अलग विटामिन्स अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में, सभी विटामिन्स का होना जरूरी है। सोर्स ऑफ विटामिन्स, जिसमें से विटामिन्स मिलते हैं उनके पिक्चर्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इन सभी में से आपको अलग अलग विटामिन्स मिलते हैं। विटामिन्स ए किसमें से मिलता है? तो के यहाँ पे कैरेट, पपाया, फिश ऑयल, मैंगो, इन सब में से विटामिन ए मिल जाता है। विटामिन बी पोटैटोस, मिल्क, मीट, इन में से विटामिन बी मिलता है। विटामिन सी किस में मिलता है? विटामिन सी आप मोस्ट ऑफ देखोगे ना, जिसका टेस्ट खट्टा होगा ना उसमें से विटामिन सी मिलेगा। देखो ऑरेंज है, गोवा से, चिली से, आंवला है, इन सभी में से विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी किस में से मिलेगा? मोस्ट ऑफ सनलाइट में से मिलता है। हम बोलते हैं कि सनलाइट में रहने से हमें विटामिन डी मिलता है और इन सब में से भी मिलता है।
विटामिन ई मिल्क में से मिलता है, पीस में से मिलता है, एग्स नट्स इनमें से विटामिन ई, और विटामिन के किस में से मिलता है तो के इस तरह स्पिनैच हो, कैबेज हो, टोमेटोस हो, कॉलीफ्लावर, इनमें से विटामिन के मिलता है। तो इस तरह अलग अलग फूड अलग अलग वेजिटेबल्स में से विटामिन अलग अलग मिलते हैं। उसके बाद है मिनरल्स, विटामिन्स के बाद है मिनरल्स। जस्ट लाइक विटामिन्स मिनरल और ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड, बिल्कुल विटामिन्स की तरह मिनरल्स भी क्या है तो के प्रोटेक्टिव फूड है, यानी कि हमें बचाने वाले फूड है। क्यों? दे हेल्प अवर बॉडी टू रिवाइव हेल्थी। वो किस में हेल्प करते हैं तो के हमारे बॉडी को स्वास्थ्य हेल्दी रहने के लिए हेल्पफुल होते हैं। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज लाइक विटामिन्स, इनकी भी जरूरत थोड़ी मात्रा में ही होती है, ज़्यादा मिनरल्स की जरूरत नहीं होती। कुछ क्वांटिटीज में जैसे विटामिन्स बहुत हो जाते हैं, उसी तरह कुछ क्वांटिटीज में मिनरल्स भी बहुत है। सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स इंक्लूड कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फरस, आयन एंड आयोडीन। कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स जो जरूरत मिनरल्स है उनके नेम यहाँ पे दिए, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फरस, आयन, आयोडीन, ये सभी इम्पोर्टेंट मिनरल्स है जो हमें चाहिए, लेकिन कितनी मात्रा में तो कि स्मॉल क्वांटिटीज में जरूरत मिनरल्स। सोर्स ऑफ सम मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.8 A to D, यानी कि यहाँ पे फिगर में हमें दिए गए हैं कि क्या क्या मिनरल्स की कहाँ से मिलता है, किस तरह किस में से मिनरल्स मिलता है। आयन किस में से मिल जाता है, इसमें से आयन मिनरल्स मिल जाता है। फॉस्फरस इसमें से मिल जाता है। आयोडीन इनमें से मिल जाता है। देखते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फरस आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम और फॉस्फरस मिनरल्स का होना किस में जरूरी है तो कि हमारे बोन्स और टीथ का प्रॉपर फॉर्मेशन होना। जब हम बच्चे होते तब हमारे टीथ और हमारे बोन्स नए नए फॉर्म होते हैं ना, तो इनमें कैल्शियम की और फॉस्फरस की जरूरत होती है। तो कैल्शियम किस में से मिल जाता है, दूध में से, इसलिए जब हम छोटे होते तब हमें ज़्यादातर दूध पिलाते हैं क्योंकि उसमें से कैल्शियम और फॉस्फरस मिलता है। इसलिए मिल्क, एग, चीज एंड पल्सेस आर रिच इन दीज टू मिनरल्स, ये सभी में ये दो मिनरल्स ज़्यादा मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आयन। आयन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड सेल। आयन का जरूरत किस में है तो कि हमारे ब्लड के फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड फॉर्मेशन में। हमारे ब्लड का जो रेड कलर है वो किसके कारण है तो कि आयन के कारण। हमारे ब्लड में आयन प्रेजेंट होता है इसीलिए उसका कलर रेड है। डिफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कॉज एनीमिया, अगर हीमोग्लोबिन कम होगा यानी कि ब्लड लेवल कम होगा तो कौन सी डिजीज हो सकती है, एनीमिया हो सकती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, नट्स, पीस एंड लीवर आर गुड सोर्स ऑफ आयन। आयन किस में से मिलता है तो कि इन सभी चीज़ में से, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिनके पत्ते ग्रीन होते हैं इस तरह के वेजिटेबल्स में से भी मिल जाते हैं, और एग, नट्स, पीस, लीवर्स इन सभी में आयन ज़्यादातर मात्रा में होते हैं। उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन की जरूरत क्या है तो कि आयोडीन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर कीपिंग द बॉडी हेल्दी। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आयोडीन की भी जरूरत पड़ती है। इट्स डिफिशियंसी लीड्स टू ए डिजीज कॉल्ड गोइटर। अगर आयोडीन की कमी होगी तो हमें एक डिजीज हो सकती है, उस डिजीज का नाम क्या है तो कि गोइटर डिजीज में क्या होता है तो कि हमारा जो नेक होता है ना वो एकदम फुला जाता है, स्वेलो हो जाता है। जहाँ हमारा नेक आप देख सकते हो फेस के नीचे जो हमारा नेक होता है वो अभी कैसा होता है, एकदम स्लिम होता है, लेकिन अगर गोइटर डिजीज हुई तो ये पूरा क्या हो जाएगा, स्वेलो हो जाएगा, फूल जाएगा। आयोडाइज्ड सॉल्ट फिश एंड सी फूड आर द सोर्स ऑफ आयोडीन। मोस्ट ऑफ आयोडीन हमें कहाँ से मिल जाता है तो क्या आयोडाइड सॉल्ट में से, और फिश में से, सी फूड में से भी आयोडीन मिलता है, लेकिन ज़्यादातर हम कहाँ से इसको लेते हैं तो क्या सॉल्ट में से मिलता है। तो इस तरह के मिनरल्स हमें हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और एक्टिव रखने के लिए जरूरी है। उसके बाद है फाइबर।
ऑल्सो नोन एज रफेज। फाइबर को और एक नाम से जाना जाता है रफेज। रफेज मतलब रफ बुक, हम बोलते हैं रफ बुक, तो रफ का मतलब क्या है तो क्या फेयर बुक और रफ बुक। रफ बुक में हम एक बार लिखते हैं जो इतना क्या नहीं होता, इम्पोर्टेंट नहीं होता। वैसे ही फाइबर में से ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, फाइबर हैज नो न्यूट्रिशन वैल्यू, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। यस इट इज नीडेड बाय अवर बॉडी एज इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए जरूरी, हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि वो क्या क्या फंक्शन क्या काम करते हैं क्या करते हैं तो क्या प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को रोक देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हमारा डाइजेशन प्रोसेस को क्या करते हैं फंक्शनिंग करते हैं, यानी कि अगर डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है तो फाइबर की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को फाइबर की कमी होती है तो उनका डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से होता नहीं है, तो पहला तो कॉन्स्टिपेशन रोक देना, प्रिवेंट करना, दूसरा डाइजेशन प्रोसेस में हेल्पफुल होना, और हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है उनको गेट रिड ऑफ, उनको अच्छे से डाइजेस्ट करके हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में फाइबर हेल्पफुल रहते हैं। इसीलिए आपने सुना हो तो फाइबर वाले फूड खाना ज्यादा अच्छा है ऐसा बोलते हैं, लेकिन इनका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे बॉडी में ये तीन काम करते हैं, इसीलिए फाइबर लेना कभी कभी जरूरी है। रफेज इज प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोड्यूस्ड इन अवर फूड, जो हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड, हमारे फूड में जो प्लांट प्रोडक्ट्स के थ्रू कौन क्या प्रोड्यूस होता है तो क्या रफेज प्रोवाइड होता है। रफेज इज प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट इन अवर फूड, हमारे फूड में जो हम प्लांट प्रोडक्ट लेते हैं वहाँ उसमें से हमें रफेज मिल जाता है। इट्स मेन सोर्स आर वेजिटेबल्स, रफेज मिलना मतलब फाइबर मिल जाता है, उसका मेन सोर्स क्या है तो क्या वेजिटेबल, जैसे कि कैरेट कैबेज उसमें से भी रफेज मिल जाता है, फ्रूट्स जैसे कि एप्पल और पीचेस, होल ग्रेन्स जैसे कि वीट और राइस, और पल्सेस यानी कि बीन्स, इन सब में से थोड़े थोड़े फाइबर्स यानी कि रफेज हमें मिल जाता है। रफेज फाइबर का दूसरा नाम है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि रफेज हमें इन सब चीज़ों में से मिल जाता है, इसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है लेकिन फिर भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है क्योंकि वो ये तीन काम करता है, इसीलिए इस फाइबर का होना जरूरी है। और लास्ट कंपोनेंट है हमारा वाटर। वाटर तो हमें मालूम है कि कितना इम्पोर्टेंट है। डू यू थिंक यू कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, कि आप सोच सकते हो कि आप पानी के बिना जी सकते हो। एन अडल्ट इज अनेबल टू सर्वाइव फॉर मोर देन ए वीक विदाउट वाटर, कोई भी बड़े लोग अडल्ट जो बड़े हो जाते हैं वो पानी के बिना एक हफ्ते तक जी सकते हैं, बट कैन सर्वाइव फॉर मेनी वीक्स विदाउट फूड, पानी के बिना सिर्फ एक ही हफ्ते तक जी सकते हैं लेकिन फूड के बिना बहुत सारे हफ्ते तक जी सकते हैं। प्रोवाइडेड एस प्रोवाइडेड ही हैज वाटर, अगर उनके पास पानी है तो वो खाने के बिना जी सकते हैं, लेकिन अगर पानी नहीं है तो वो सिर्फ एक हफ्ते तक ही लाइव कर सकते हैं क्योंकि पानी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वी गेट वाटर फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक वाटर मिल्क एंड टी, हमें पानी कहाँ से मिल जाता है तो कि पानी हम जब पीते हैं उसमें से, मिल्क में से मिलता है, टी में से मिल जाता है, लिक्विड जो लिक्विड हम पीते हैं उनमें से हमें पानी मिल जाता है। इवन द फ्रूट एंड फ्रेश वेजिटेबल्स वी ईट कंटेन प्लेंटी ऑफ वाटर, जो फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स हम ईट करते हैं ना उनमें से भी बहुत सारे टाइम्स हमें वाटर मिल जाता है। इवन वाइल कुकिंग ए लॉट ऑफ वाटर इज एडेड टू फूड, जब हम खाना पकाते हैं उसमें भी बहुत सारा पानी का इस्तेमाल होता है तो उसमें से भी हमें वाटर मिल जाता है। वाटर परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन, वाटर क्या क्या काम करता है तो कि इट हेल्प्स टू मूव सब्सटेंस विद इन अ बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस तक मूव होने के लिए हेल्पफुल करता है, कौन तो क्या वाटर। इट हेल्प्स टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड, फूड में से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करने में वाटर इस्तेमाल होता है। इट हेल्प्स इन थ्रोविंग आउट वेस्ट सच एज यूरिन इन स्वेट फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी में से जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने में भी वाटर ही इस्तेमाल होता है, जैसे कि यूरिन निकल जाता है उसी तरह हमारा पसीना स्वेट भी निकल जाता है, बॉडी में जो स्वेट निकलता है वो भी लिक्विड यानी कि वाटर के कारण ही बाहर निकलता है। इन दोनों वेस्ट को बाहर निकलने में वाटर हेल्पफुल होता है। और
इट हेल्प्स टू रिमेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली रखने के लिए इसका क्या यूज होता है, तो क्या वाटर। किसी के शरीर में ज्यादा गर्मी हो तो उसके ज्यादा वाटर पीने को, ड्रिंक करने को बोलते हैं, क्योंकि वाटर क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को स्टेडी रखता है। इसीलिए तो वाटर ए सभी काम करते हैं, इसलिए वाटर भी हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। विदाउट वाटर हम सिर्फ कितने दिन तक जी सकते हैं, ओनली फॉर ए वीक, लेकिन विदाउट फूड हम बहुत सारे हफ्ते तक जी सकते हैं, अगर हमारे पास पानी है तो। तो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूट्रिशन फॉर फूड ऑन द बेसिस ऑफ द रोल। आपका आज का होमवर्क है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, पूरा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के सभी कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपको रीड करने हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि किस में से कौन सा कंपोनेंट आपको मिलता है। ठीक है, चलो नमस्ते।